कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण भारत में कई व्यवसायों को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें से एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी है। फिल्म की शूटिंग लगभग 4 महीने बंद रही, जब इजाजत मिली भी तो इक्का दुक्का शूटिंग ही चल रही है, क्योंकि बड़े स्टार अभी भी खतरा मोल लेने की हालत में नहीं है। लगभग 4.5 महीने से सिनेमाघर बंद पड़े हैं। मार्च के मध्य से सिनेमाघर बंद होना शुरू हुए और देखते ही देखते पूरे देश के सिनेमाघरों पर ताला पड़ गया। अभी जो हालात है उसे देख निकट भविष्य में सिनेमाघर शुरू नहीं होना है। फिल्म मेकर शेखर कपूर का कहना है कि सिनेमाघर साल भर शुरू होने की संभावना नहीं है, और यह बात लगभग सही है। सिनेमाघर को सबसे आखिरी में ही शुरू किया जाएगा। हालांकि सिनेमाघर मालिकों ने पूरी तैयारियां कर रखी है, उन्होंने प्रोग्राम बना लिया है कि वे किस तरह से अपने सिनेमाघरों को सैनिटाइज करेंगे, साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे, दर्शकों के बीच कैसे दूरी रखेंगे, लेकिन उनकी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिनेमाघर नहीं खुलने से कई स्टार्स का स्टारडम खतरे में आ गया है। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, ऋतिक रोशन जैसे सितारों की यदि लंबे समय तक कोई फिल्म नहीं आती है तो संभव है कि दर्शकों में उनके प्रति क्रेज कम हो जाए। उन्माद तब पैदा होता है जब फिल्म रिलीज होती है, करोड़ों के टिकट बिकते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ क्लब की चर्चा होती है, नए रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन अभी तो ये दूर की बात हो गई है। OTT प्लेटफॉर्म पर तो सभी बराबर है। सुष्मिता सेन और अभिषेक बच्चन को भी अच्छे खासे दर्शक मिल जाते हैं, जिन्हें की दीपिका पादुकोण या अजय देवगन जैसी लोकप्रियता हासिल नहीं है। यदि कोविड-19 के कारण हालात लंबे समय तक चले तो कई सिनेमाघर फिर शुरू नहीं हो पाएंगे और कई सितारों की चमक फीकी पड़ जाएगी।